बात बिजनौर की कर लेते हैं। बिजनौर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क करीब एक महीने में जो है वो खस्ता हाल हो जाती है। अब ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने मानक के अनुसार निर्माण नहीं किया, जो पूरी सामग्री लगाई गई थी वो भी घटिया किस्म की थी। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के किरतपुर से कसौर होकर गांव पाडला तक एक महीने पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क का निर्माण किया गया था। लगभग 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण 2,57,00,000 रुपए की लागत से कराया गया। अभी सड़क बने हुए एक महीना पूरा नहीं हुआ और सड़क टूट चुकी है, सड़क में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार ने सड़क निर्माण में मानक के अनुसार निर्माण सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया। सड़क में बजरी डालने की मोटाई भी बहुत कम रखी गई है, जिससे सड़क में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने डीएम से सड़क निर्माण में मानक के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किए जाने की जांच कराने और ठेकेदार से वसूली करने की मांग की है। कुछ समय पहले ये सड़क बनी थी, यो हिसाब हो गया, आगे आगे बनती जा रही है और पीछे से खराब होती जा रही है। लगभग इसमें जो बोर्ड पर लिखा हुआ वो 2.5 करोड़ रुपए कीमत लिखी गई है और मेरे ख्याल से इसमें 2,500 रुपये नहीं लगे। ऐसा कैसे होगा? सारे अधिकारी भ्रष्ट हो गए, सब ने अपनी जेब गर्म कर ली और जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं। अच्छा, इस रोड को कितना टाइम हो गया होगा? लगभग एक माह हो गया बना हुआ। ये कहाँ से कहाँ तक बनी है सड़क? ये किरतपुर से और पाड़े तक बनी हुई है। अच्छा, ये जो रोड टूटी हुई पड़ी है इस संबंध में क्या कहना है आपका? इसमें जो आगा आगा बनती जा रही है, पीछे पीछे टूट रही है। अच्छा, कितना तो टाइम हो गया सड़क को बने हुए? एक महीना ही करीब। एक माह। कहाँ से कहाँ तक बनी है? किरतपुर से पाड़े तक